कोई खाने पीने की सस्ती सी दुकान है करी में? पहले थी, अब नहीं है। देखो बहुत भूख लगी है तो केला खाओ। अच्छा। कैसे दिया है? ग्राहक समझ कर नहीं दिया, समझे? मुफ्त में नहीं लूंगा, कीमत बताओ। देखो कीमत लेनी है तो दूसरी दुकान ढूंढो जाओ। अच्छा लाओ लाओ, भाई भूखा मरता क्या ना करता। बैठो। भूखा भी है और प्यासा भी। सुना आपने राम कहानी? क्या करोगी सुन के, मेरा अपना दुख है, कोई से क्यों बांटे। अरे बाबा बोल ना, मैं औरों जैसी नहीं हूँ। वो तो नजर ही आ रहा है। अच्छा लो तुम्हें सुनाता हूँ। मैं बचपन से यतीम हूँ। एक विधवा बहन थी, एक उसकी छोटी बच्ची, उन्हीं का पेट पालने के लिए फौज में भर्ती हो गया था। एक दो साल की मेहनत के बाद जो कुछ बचा सका वो जमा करके अपने एक अफसर के हाथ घर को भेज दिया। वो उस तरफ छुट्टी पे जा रहा था। समझी समझी, गरीब का माल खा गया होगा। और क्या? तेरी बहन और भांजी का क्या हुआ? फौज की नौकरी छोड़ने के बाद जब घर पहुंचा तो ना घर था, ना बहन थी और ना रत्ना। रत्ना? ये रत्ना कौन लगती है तेरी? मेरी बहन की लड़की। अच्छा अच्छा, तो वो लोग कहाँ चले गए? सुना कि मेरी बहन पैसों का इंतजार करते करते मर गई, घर नीलाम हो गया। अब मैं हूँ रत्ना की तलाश है। और वो अफसर का बच्चा दोबारा मिला? मिल जाता तो उसे जिंदा छोड़ देता, अभी अगर मिल जाए तो। अरे कौन जाने मुआ मर खप गया होगा, रत्ना मिली कि नहीं। इसी आस पे तो जी रहा हूँ, लेकिन एक बड़ी मुश्किल है, अगर वो मिल भी जाए तो मैं उसे पहचानूंगा कैसे। जब उसे पिछली बार देखा तो बेचारी 10 बरस की थी। ऊपर वाले पे आस रख, एक न एक दिन मिला ही देगा। अच्छा बता खाता कहाँ है? कभी कभी खा लेता। अरे मैं पूछती हूँ खाता कहाँ है? जहाँ मिल जाए। छी छी छी, ये अच्छी बात नहीं। अरे मर्द का बच्चा है, अपने हाथ से कमा के खा, समझे? नाम क्या है तेरा? रामू। देख मेरा बाबा रिक्शा खींचता था, उसके मरने के बाद रिक्शा बेकार पड़ी है, बाबा की निशानी है इसलिए बेची भी नहीं। तुम्हें रत्ना को ढूंढना है ना, तो क्यों ना रिक्शा चलाया कर, एक पंद दो काज हो जाएंगे। मैं रिक्शा चलाएगा? हाँ हाँ, अभी रिक्शा चला, मेरे पास मोटर हो जाएगी ना, तो चला लिया करना।